मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा जारी आदेश के तहत 2 अक्टूबर से पहले सामान्य प्रशासन की बैठक में स्थायी समितियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन पवई जनपद के अंतर्गत स्थायी समितियों के सचिवों के द्वारा किसी भी प्रकार की बैठक का आयोजन नहीं किया गया, जिसके बाद सामान्य प्रशासन की बैठक में सभापतियों के द्वारा रोष व्यक्त करते हुए समितियों के सचिवों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। ऐसे में जनपद अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा का कहना है कि यह ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग के द्वारा जारी आदेश की अवहेलना है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पवई से अनूप शुक्ला की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले हमारे पंचायत मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास से आदेश आया था कि सामान्य प्रशासन की समितियों के सभापति द्वारा समितियों की बैठक रखी जानी है। हमारे जनपद सीओ के द्वारा सभी समिति के सचिवों को निर्देश दिया गया था कि आप सामान्य प्रशासन के पहले सभी समितियों की बैठक रख लें, लेकिन जो सभी सचिव हैं समितियों के, चाहे महिला बाल विकास के हों या फिर अन्य समितियों के, हमारे साथ समिति हैं सभी के सचिवों ने किसी भी समिति की आज तक बैठक नहीं की है और आज सामान्य प्रशासन की बैठक रखी गई है। हमारे सभी सभापति उसमें मौजूद हैं और आज सामूहिक रूप से सभी सभापतियों के द्वारा आज सभी सचिवों के खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। यह केवल और केवल सभापति जनपद अध्यक्ष की अवहेलना नहीं थी, यह हमारे मध्य प्रदेश शासन के पंचायत मंत्री जी जो उनके निर्देश दिया था उनकी भी अवहेलना थी, इसलिए हम सभी इससे बहुत ही आक्रोशित हैं और इस प्रकार इनके कृत्य अब हम लोग नहीं सहेंगे।